अनकट ने अग्निपथ के पूरे मुद्दे पर एक ग्राउंड रिपोर्ट की है। आपके लिए स्टोरी करने हम वेस्ट यूपी के बड़ौत गए थे। एक युवा ने यहाँ पे जो बात कही वो आपको सुननी चाहिए। वे आग भी लगानी बंद कर देंगे, कर्ज उतारना बंद कर देंगे, उनकी मांगे पूरी कर दो। देखो जिसमें जनता खुश है सरकार को उसमें खुश रहना चाहो। तो इस युवा का कहना है कि अगर जनता खुश नहीं होगी तो सरकार कहां से खुश रहेगी। अब आपको बताते हैं कि इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। पीएम का कहना है कि कई बार लिए गए फैसले जो है वो शुरू में सही नहीं लग सकते, लेकिन लंबे समय में इनसे फायदा होता है। बेंगलुरु में सोमवार को ऐसा कहने के दौरान उन्होंने अग्निपथ योजना का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया, लेकिन मायने यही निकाले गए कि वो इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहे होंगे। अब ऐसी बातों के बीच एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसी पॉइंट पर अग्निपथ योजना को वापस लिया जा सकता है। ऐसे में हम आज बात करेंगे इस पर कि 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद से बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी ये जो सरकार चला रही है, उसमें कौन से बड़े फैसले जो है उनको वापस लिया गया है। और जब हम इस पर बात शुरू करेंगे तो सबसे पहले याद आती है एक ऑर्डिनेंस की। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार नई नई थी। सरकार लैंड एक्विजिशन यानी भूमि अधिग्रहण का कानून बदलने के लिए एक ऑर्डिनेंस लेकर आई थी। सरकार ने इस ऑर्डिनेंस को लैप्स होने दिया। ऑर्डिनेंस के लैप्स होने से ज़्यादा गौर करने लायक बात थी इसकी टाइमिंग। दरअसल ये सब कुछ 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के महज 2 महीने पहले हुआ था। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ देते हुए आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। अपनी सरकार की विदाई से पहले कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूपीए 2 ने भूमि अधिग्रहण के जो कानून है उनमें बदलाव किए थे। इसके आलोचकों का कहना था कि इसकी वजह से जमीन का अधिग्रहण करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया था। एयरपोर्ट हो या मेट्रो या बुलेट ट्रेन, ऐसे तमाम विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए ज़मीन चाहिए होती है। तो ऐसी ही ज़मीन को हासिल करने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल में इस कानून को बदल रही थी। हालांकि इसे लेकर हुए विरोध को ध्यान में रखते हुए बिहार चुनाव के महज 2 महीने पहले ये कदम वापस ले लिया गया। अब बात करते हैं किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को खत्म हुए अभी मोटा मोटी 6 महीने हुए हैं। भारत का यह सबसे लंबा आंदोलन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बॉर्डरों समेत देश के कई हिस्सों में चला। जो 3 कानून लाए गए थे उसके समर्थकों का कहना था कि इससे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। लेकिन मंडी और MSP के खत्म होने समेत कई सारी ऐसी बातें थी जो कि किसानों को रास नहीं है। आपको याद होगा कि प्रदर्शनकारी किसानों को आंदोलनजीवी से लेकर खालिस्तानी तक बुलाया गया था। अलग अलग आंकड़ों के मुताबिक करीब 700 किसानों की जानें इस आंदोलन के दौरान चली गई। इतना ही नहीं, 2021 के 26 जनवरी को हुए इनके ट्रैक्टर मार्च ने दिल्ली को हिला कर रख दिया। कांग्रेस समेत जिन राज्यों में विपक्ष सरकारें थी वहां के विधानसभाओं तक में नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि सरकार अड़ी रही कि वो इस कानून को वापस नहीं लेगी। पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी के किसान जो हैं वो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। यूपी के लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ाने की एक बेहद हिंसक घटना सामने आई जिसमें 4 किसानों की जानें चली गईं। इन सब के बीच सरकार ने अपना स्टैंड टफ बनाए रखा और पंजाब और यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव नज़दीक आ गए। फिर एक दिन अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि इन 3 कानूनों को वापस लिया जा रहा है। 2021 के नवंबर में इन्हें वापस लिए जाने के दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को ये 3 कानून समझाए नहीं जा सके। कानून वापस लिए जाने के बाद किसान जो है वो अपने घरों को लौट गए। अब बात करते हैं और कानून CEA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आपको याद होगा कि 2019 से लेकर 2020 तक इसे लेकर जमकर प्रदर्शन हुए। आलम यह रहा कि इन्हीं प्रदर्शनों के बीच 2020 की फरवरी में दिल्ली में 1984 के बाद के सबसे भयानक दंगे हुए। किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने पार्टी के साथ छोड़ दिया था। CEA को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान भी भाजपा को अपने सहयोगियों के विरोध का सामना करना पड़ा था। आपको याद होगा कि दिसंबर 2019 में CEA को पास किया गया था। इसके बाद इसे लेकर विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया। प्रदर्शनों के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में भयानक हिंसा हुई। यही हिंसा फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी फैल गई। कोविड की वजह से देश भर में लॉकडाउन लग गया। इसके पहले दिल्ली के शाहीन बाग में 3 महीने तक हर उम्र की महिलाएं इस कानून के खिलाफ 24 घंटे तक प्रदर्शन करती रहीं। लॉकडाउन की वजह से इस प्रदर्शन को समाप्त करना पड़ा। CEA को लागू करने को लेकर तमाम तरीके के बयान दिए गए।
ताज़ा स्थिति ये है कि सरकार के मुताबिक इसे कोविड के वैक्सीनेशन के पूरा होने के बाद लागू किया जाएगा, मतलब ये कानून अब तक लागू नहीं हुआ है। तो भूमि अधिग्रहण का कानून बदलना हो या तीनों फार्म लॉज लेकर आना या CEA के जैसा कानून पास करना, इन सब को लेकर आलोचकों का कहना रहा है कि सरकार ने इसे लेकर वाइड कंसल्टेशन नहीं किया, यानी कानून बनाने या बदलने को लेकर लोगों की राय नहीं ली गई। आलोचक ये भी कहते हैं कि शायद यही वजह है कि सरकार को ऐसे भारी विरोधों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप अग्निपथ योजना से जुड़े छप रहे विश्लेषण पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यही बात निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि भले ही बदलाव क्रांतिकारी हों, लेकिन जो इससे प्रभावित होंगे सरकार को उनकी राय जरूर लेनी चाहिए थी। एक्सपर्ट ओपिनियन तो इस तरीके के भी आ रहे हैं कि सेना में इतने व्यापक बदलाव के पहले सरकार को इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च करना चाहिए था। आर्मी के वाइस चीफ ने इसे पायलट प्रोजेक्ट करार भी दिया है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस में उनका एक इंटरव्यू छपा है। इसमें आर्मी वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने इसे पायलट प्रोजेक्ट कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि योजना में समय और ज़रूरत के हिसाब से बदलाव किए जाएंगे। हालांकि ऐसी बातों के बीच पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है उसको समझना ज़रूरी है। तो इसको हम चावल पकाने के उदाहरण से समझते हैं। जब हम कुकर के बजाय किसी खुले बर्तन में चावल पकाते हैं तो उसके चार दाने टटोल कर देखते हैं कि चावल कितना पका है। टटोलने के बाद अगर वो चार दाने ठीक से पके हुए लगते हैं तो मान लिया जाता है कि चावल जो है वो पक गया होगा और फिर इसे पकाना बंद कर दिया जाता है। ऐसा ही मामला पायलट प्रोजेक्ट में भी होता है। मुट्ठी भर लोगों पर इसे पहले चेक किया जाता है कि इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो योजना का जो दायरा है वो बढ़ा दिया जाता है और बाकी लोगों के पास इसे पहुंचाना शुरू किया जाता है। ऐसे में अगर अग्निवीर योजना को पायलट प्रोजेक्ट बुलाया जा रहा है तो ये कम से कम पायलट प्रोजेक्ट का जो डेफिनेशन होता है, जो परिभाषा होती है, उस पर यह खरा नहीं उतरता। इन सब के बीच युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शन के पीछे एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि उन्हें कंसल्ट नहीं किया गया, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। मतलब एक तो 2 साल से फौज की भर्ती रुकी हुई थी, ऊपर से इसके इंतजार में लगे युवाओं को अचानक से पता चला कि जो परमानेंट नौकरी होती है वो महज 4 सालों की होगी। जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि ये बात युवाओं के जो गले है वो नहीं उतर रही। आपको पता होगा कि दर्जन भर राज्य हिंसक प्रदर्शन की चपेट में है। पूरा भारत सोमवार को बंद था। किसान संगठन भी इस मामले में युवाओं के साथ खड़े हैं। इसके खिलाफ राकेश टिकैत ने 30 जून से देश भर में आंदोलन की घोषणा की है। अभी तक हमने जितने भी विरोध प्रदर्शनों के ऊपर बात की उनमें से अग्निपथ को लेकर हो रहे प्रदर्शन जो है वो सबसे हिंसक हैं और ये जल्द थमते नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अग्निपथ योजना रहेगी या जाएगी। हालांकि अभी तक की तस्वीर तो यही कहती है कि इस योजना के हटने के आसार नजर नहीं आ रहे। उम्मीद है कि इस स्टोरी के जरिए हम आपको आपके काम की जानकारी दे पाए होंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इस स्टोरी को लाइक करें, इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये स्टोरी कम अच्छी लगी तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। ऐसे ही स्टोरीज के लिए देखते रहें अनकट। मेरा नाम है तरुण।